नमस्कार आदाब सलाम, मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। 5 मिनट के अंदर आपके सामने मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस याद कराने वाला हूं जिससे हर हाल में आपको कम से कम 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आ जाएंगे। सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूं, हर चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के ऑथर का नाम और उस चैप्टर, वो जो चैप्टर है वो किस काइंड का, किस जॉनर का चैप्टर है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। पहला चैप्टर रेनबो बुक का है, प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। याद रख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये एक एसे है, एक ऐसे है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यंग इंडिया मैगजीन के लिए लिखा गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हल हुआ। याद रखिएगा, भारत इज माय होम एक स्पीच है, भारत इज माय होम, भारत हमारा, मेरा घर है एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था, और तब दिया गया था जब वो प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहे थे 1967 में, 1967 में। 3 सवाल आपका हल हुआ। किन की स्पीच है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की स्पीच है। कब दी गई थी? जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे। कौन से साल में? 1967 में। भारत इज माय होम क्या है? एक स्पीच है। अगला है, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, कॉमिक स्टोरी कह सकते हैं। किसके द्वारा लिखी गई? माल गोंकर के द्वारा लिखी गई। ये 3 चैप्टर से हो गए। चौथा चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? कहानी है, स्पीच है, नॉवेल है, ऐसे है, एक स्पीच है। किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। कहां दिया गया? वॉशिंगटन में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किनका लिखा हुआ है? बर्ट्रंड रशेल की लिखी हुई है। कैसे है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट किसने लिखा? शीगा नोया ने लिखा। द आर्टिस्ट किसने लिखा? शीगा नोया ने लिखा। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है। किसके द्वारा लिखी गई? जर्माइनी ग्रेर के द्वारा लिखी गई, एक उनके किसी किताब का एक एक्सट्रैक्ट है। आगे है, हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा? ड्रोथी एल सेयर्स ने लिखा। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस मीडिया कितना फ्री है? ड्रोथी एल सेयर्स ने लिखा। क्या है? यह भी एक ऐसे है। आगे है, द अर्थ किसने लिखा? द अर्थ लिखा गया है एच ई बेट्स के द्वारा। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच ई बेट्स। और द अर्थ क्या है? ये भी एक छोटी सी स्टोरी है जो मोरल को दिखलाती है, एक मोरल वैल्यू को दिखलाती है, छोटी सी कहानी है। क्या है? द अर्थ किसके द्वारा लिखी गई? एच ई बेट्स के द्वारा लिखी गई। आखिर सेकेंड लास्ट है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत एक पर्यटक के आंखों से, के नजरिए से, किसके द्वारा लिखा गया? पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। एक्चुअली ये भी एक बड़ी कहानी, बड़ी नॉवेल कह लीजिए, बड़ी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है छोटा सा। उस किताब का नाम है कम माई बिलवड, कम माई बिलवड, आओ मेरी महबूबा, आओ मेरे प्रिय। इस कहानी का कुछ हिस्सा आपकी किताब रेनबो में डाल दिया गया। और लास्ट है, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल क्या है? सबसे पहला सवाल, अ मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, एक प्ले है। किसने लिखा? एंटोन चेकोव ने लिखा। एंटोन चेकोव ने लिखा। और ये कहां के थे? ये रशिया के थे। मेरा ख्याल है कि कम से कम इस 5 मिनट के अंदर आपने 20 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर सुने हैं। आप केवल इसको याद रखें, आपको 100% ये क्वेश्चंस आने वाले हैं।